to some of the teachers and the body. So it's raining lightly, but इनको अंदर नहीं रहना है, इनको सुसु पॉटी करने बाहर निकलना है तो निकलना है, तो इसलिए इनको निकाला है अभी। ये रही हमारी सुस्त रोजी, चुस्त रही ना। घास में ना घुसना, घास में घुसेगा पूरा गिल्ला हो जाएगा। अभी कल ही ना लाया तो गिल्ला तो वैसे भी हो ही गया हुआ, अब इनको सुखाना पड़ना है बहुत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रोजी एंड राइनो ब्लॉग्स। तो हम निकले हैं थोड़ा लेट क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूस बारिश हो रही है और वो भागा भाग रही है। बारिश में मुश्किल हो जाती है इनको निकालने के लिए। साइड रही साइड, कल एक आंटी इनको नोटिस कर रही थी, मैंने इनको कहा कि गाड़ी आ रही है रुक जाओ, तो ये वहीं रुक के साइड में रुक गया मतलब सड़क के। आंटी बड़ी हैरान होकर पूछती, बोलते हैं आप ये पूरी बात समझते हैं? मैं क्या, हाँ जी पूरी बात समझते हैं, वेल ट्रेंड है। तो बहुत खुश हुई इनको देख के, अच्छा बोला कितनी बात मानते हैं कि आपने इनको बोला कि हाँ साइड में खड़े हो, तो साइड में ही खड़े हुए। मैं क्या, हाँ जी इतनी बात तो समझते हैं। तो इनको जब सिखाया जा गया था तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से समझाया हमने, कभी इनको डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, बिल्कुल प्यार से खुद ब खुद समझे। तो उसने जब कुछ, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड करने के लिए स्पेशल ट्रेनर रखते हैं, और वो ट्रेनर कूट कूट के उनको बेचारों को डरा डरा के सिखाते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए सीखते हैं, फिर जैसे वो डर ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर वो कभी नहीं बात मानते। और साथ ही साथ नालों का काम भी चलाओ सड़क के किनारे। चलो जी, बारिश ने एक्चुअली बंद नहीं हुई है, थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है। तो अर्ली मॉर्निंग तो बहुत बारिश थी, और अब भी देखो उधर उस साइड बारिश पड़ी हुई है, और यहाँ भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। और ये नया रोड बन रहा है उधर, और रोजी की मेंटालिटी ऐसी है कि घर के आसपास मैं अपना काम कर दूं, सुसु पॉटी कर लूं, और उसके बाद घर जाऊं और अपने बेड के पास जाऊं, बेड के ऊपर लेटूं, कंफर्ट जोन में रहती है हमेशा है। बहुत रेयर ये फर्श पे सोएगी, रहेगी उस पर अपने बेड पे ही। और राइनो है रफ एंड टफ, ये जहाँ हम रहेंगे ये पूरा दिन वहीं रहेगा, चाहे इसको फर्श पे सोना पड़े या सोफे पे हमारे पास रहना पड़े, लेकिन रहेगा हमारे पास और रुझी रहेगी अपने बेड पे हमेशा, बिल्कुल एकांत प्रिय है। वहीं रुकती है, फिर से रुकी वहीं पे, जले क्या उसको, ए, 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 ए। चलो आ जाओ आ जाओ रोजी इधर बेटा। अच्छा बस बारिश के बाद बिल्कुल विजन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये डेंगू धार हमारे ऊपर, डेंगू माता का मंदिर, जय माता दी, वहाँ पे चोटी पे धुंध चली गई है। ये छोटे मोटे स्लाइड यहाँ होते रहते हैं, और ये देखो डंगे से गिरे हैं, जो डंगा लास्ट ईयर भी गिरा था, इस बार भी गिरा हुआ। तो आजकल सावधान ऐसी जगहों से, क्योंकि हर जगह ऐसा ही है, थोड़ा सा बरसात का पानी ज़्यादा हुआ नहीं, और थोड़ा जो है डंगे इधर उधर हो जाते हैं। तो इसने तुम क्यों बैठे यहाँ पे, भीगते हैं सुबह सुबह। राइनो की हालत पूरा भीग गया, और इसका अभी भी मन नहीं भरा। इधर आ पहले, ये देख तेरी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बारिश उस साइड से बहुत आ गई है। देखो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी, थोड़ी थोड़ी हो रही सो रही, यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद बहुत भयंकर बारिश हो जाएगी,
स्टार्ट, फिर उसके बाद इनको बाहर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आधा आधा तो तेरा स्नान हो ही गया देखो, है ना। चलो फिर चो शाबाश रोजू, रोजू तो पहले ही घर की तरफ है। तो बच्चे घूम के आ गए और राइनो का देखो कैसे गेस्ट थे, देखो उसको कितने प्यार से बैठा था। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ राइनो, गुड बॉय। ये रोजी के ऊपर मुंडी रख के यहाँ पे इतने शरीफ, ये देखो ये इतने शरीफ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अभी ये गिल्ले हैं और रोजी का पूरा जो है कंसंट्रेशन अंदर की तरफ, कि जैसे अंदर वाला दरवाजा खुलेगा मैं भागूंगी और अंदर जाके सो जाऊंगी। ये देखो कितना प्यार है इनके बीच में। ये सो रोजी का ध्यान अभी ना पूरी तरह अंदर ही है कि मेरे को ये आवाज आई अंदर दरवाजा खोलने की, और जब तक नहीं जाएगी जब तक इसको बोला ना जाएगा क्योंकि इससे बहुत डरती, मेरी तो मानती नहीं है बात कभी भी, तो मेरी तो उल्टा जिद करेगी। लेकिन अगर ये होगी तो ये डर के रहेगी यहाँ पे, कि जब तक ये सामने है तब तक नहीं जाएगी। ये बोल दिया कि रोजी आ जाओ जल्दी। ए देखो गई 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 गई, और राइनो नहीं जाता अंदर, राइनो इधर ही रहेगा। इसको द्वारपाल का काम दिया हमने।